Great good evening to all. I Smith Singh welcome all of you in Pagad IAS YouTube channel. My dear friends, today in this video we are going to read, recall and revise the UPSC Civil Services 2022 question paper. ठीक है, हम लोग समान अध्ययन प्रश्न पत्र दूसरा को बस हम इसे रीड करने जा रहे हैं, कोई विश्लेषण करने नहीं जा रहे हैं। ये मैंने पूर्व में ही सूचित कर दिया और देना उचित समझा। चलिए, सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन 2022 का प्रश्न पत्र है, इसे हम अब पढ़ने का प्रयास करते हैं। सभी को मालूम है 3 घंटे का होता है, 250 नंबर मैक्सिमम मार्क्स हैं इसके। ठीक है, क्वेश्चन पेपर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले कि प्लीज रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस। देयर आर 20 क्वेश्चन, कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन है, बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश प्रिंटेड है। ठीक है, ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी इन नेचर। द नंबर ऑफ मार्क्स कैरिड बाय ए क्वेश्चन एंड पार्ट इज इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। Answer must be written in the medium authorized in the admission certificate, which must be stated clearly on the cover of the question cum answer booklet. In the space provided, no marks will be given for answer written in a medium other than the authorized one. Now, question number 1 to 10 should be in 150 words, whereas the answer to question number 11 to 20 should be in 250 words. Matlab 10 question 150 shabd mein likhna hai, 10 question 250 shabd mein. Keep the word limit indicated in the question in mind. Any page or portion of the page left blank in the question cum answer booklet must be clearly struck off. चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। भारत में आधुनिक कानून की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं का संविधानीकरण है। सुसंगत बात विधियों की सहायता से इस कथन की विवेचना कीजिए। द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न लॉ इन इंडिया इज द कंस्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। डिस्कस दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ रिलेवेंट केस लॉ। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। भारत में संपूर्ण क्षेत्र में निवास करने और विचरण करने का अधिकार स्वतंत्र रूप से सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, किंतु ये अधिकार असीम नहीं है। टिप्पणी कीजिए। राइट ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंस थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया आर फ्रीली अप्लीकेबल टू द इंडियन सिटीजन, बट दीज राइट आर नॉट एब्सोल्यूट कमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। आपकी राय में भारत में शक्ति के विकेंद्रीकरण ने जमीनी स्तर पर शासन परिदृश्य को किस सीमा तक परिवर्तित किया है? 150 शब्दों में उत्तर दीजिए। टू वॉट एक्सटेंट इन यूरोपियन हैज द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया चेंज द गवर्नेंस लैंडस्केप एट द ग्रास रूट। आंसर इन 150 वर्ड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। राज्यसभा के सभापति के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति की भूमिका की विवेचना कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सर्वाधिक निकाय से संवैधानिक निकाय में रूपांतरण को ध्यान में रखते हुए इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन द वेक ऑफ इट्स ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ स्टैट्यूटरी बॉडी टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, आगे है गतिशक्ति योजना को संयोजकताओं के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के मध्य सतर्क समन्वय की आवश्यकता है, विवेचना कीजिए। The Gati Shakti Yojana needs meticulous coordination between the government and the private sector to achieve the goal of connectivity. Discuss. Now question number 7. दिव्यांगता के संदर्भ में सरकारी पदाधिकारियों और नागरिकों की गहन संवेदनशीलता के बिना दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 केवल विधिक दस्तावेज बनकर रह जाता है। टिप्पणी कीजिए। The Right of Persons with Disability Act of 2016 remains only a legal document without intense sensitization of government functionaries and citizens regarding disability. Comment. Now question number 8, 8th question. Pratyaksh Labh Antaran Yojana ke madhyam se sarkari pradesh vyavastha mein sudhar evam pragatishil kadam hai. Kintu इसकी अपनी सीमाएं भी हैं। टिप्पणी कीजिए। रिफॉर्मिंग द गवर्नमेंट डिलीवरी सिस्टम थ्रू द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम इज ए प्रोग्रेसिव स्टेप बट इट हैज इट्स लिमिटेशन टू। कमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9।
भारत श्रीलंका का बरसों पुराना मित्र है। पूर्ववर्ती कथन के आलोक में श्रीलंका के वर्तमान संकट में भारत की भूमिका की विवेचना कीजिए। ठीक है, इंडिया इज एन एज ओल्ड फ्रेंड ऑफ श्रीलंका, डिस्कस इंडियाज रोल इन द रिसेंट क्राइसिस इन श्रीलंका इन द लाइट ऑफ द प्रेसिडिंग स्टेटमेंट, आंसर इन 150 वर्ड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, आपके विचार में क्या बिम्स्टेक सार्क की तरह एक समानांतर संगठन है? इन दोनों के बीच क्या समानताएं और असमानताएं हैं? इस नए संगठन को के बनाए जाने से विदेशी भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य कैसे प्राप्त हुए हैं? 150 शब्दों में उत्तर दीजिए। डू यू थिंक दैट बिम्स्टेक इज अ पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन लाइक द सार्क? व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज बिटवीन द टू? How are the Indian foreign policy objective realized by the forming this new organization? Now question number 11. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत संसद अथवा राज्य विधायिका के सदस्यों के चुनाव से उभरे विवादों के निर्णयों की प्रक्रिया का विवेचना कीजिए। किन आधारों पर किसी निर्वाचित घोषित प्रत्याशी के निर्वाचन को शून्य घोषित किया जा सकता है? इस निर्णय के विरुद्ध पीड़ित पक्ष को कौन सा उपचार उपलब्ध है? बाद विधियों का संदर्भ दीजिए। 250 शब्दों में उत्तर दीजिए। डिस्कस द प्रोसीड्यूर्स टू डिसाइड द डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ द इलेक्शन ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट ऑफ 1951 एंड व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑन व्हिच द इलेक्शंस ऑफ एनी रिटर्न कैंडिडेट मे बी डिक्लेयर्ड वॉइड? व्हाट रेमेडीज इज अवेलेबल टू द एग्रीव्ड पार्टी अगेंस्ट द डिसीजन? Refer to the case law. Answering 250 words. Now, question number 12. राज्यपाल द्वारा विधायी शक्तियों के प्रयोग की आवश्यक शर्तों का विवेचना कीजिए। विधायक का किस मक्ष रखे बिना राज्यपाल द्वारा अध्यादेशों के पुनः प्रख्यापन की वैधता की विवेचना कीजिए। Discuss the essential conditions for exercise of the legislative power by the governor. Discuss the legality and promulgation of ordinance by the governor without placing them before the legislature. Answering 250 votes. Now, question number 13. भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल केंद्रीयकरण के पक्ष में है जबकि क्षेत्रीय दल राज्य स्वायत्तता के पक्ष में है। स्वायत्तता टिप्पणी कीजिए। While the national political parties in India favor centralization and the regional parties are in favor of state autonomy, comment, answer in 250 words. Now question number 14. भारत और फ्रांस के राष्ट्रपति के निर्वाचित होने की प्रक्रिया का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। Critically examine the procedures through which the president of India and the France are elected. Now question number 15. आदर्श आचार संहिता के उद्भव के आलोक में भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका की विवेचना कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन इन इंडिया इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आंसर इन 250 वर्ड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। बेसाइड कल्याणकारी योजनाओं के अतिरिक्त भारत को समाज के वंचित वर्गों और गरीबों की सेवा के लिए मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के कुशल प्रबंधन की आवश्यकता है, चर्चा कीजिए। Besides the welfare scheme, India needs a debt management of inflation and unemployment to serve the poor and underprivileged section of the society. Discuss. Answer in 250 words. Now, question number 7. क्या आप इस बात से सहमत हैं कि विकास हेतु दाता अभिकरणों पर बढ़ती निर्भरता विकास प्रक्रिया में सामुदायिक भागीदारी के महत्व को घटाती है? अपने ऊपर के औचित्य को सिद्ध कीजिए। Do you agree with the view that increasing dependence on the donor agencies for development reduces the importance of community participation in the development process? Justify your statement, answer in 250 words. स्कूली शिक्षा, क्वेश्चन नंबर 18। स्कूली शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न किए बिना बच्चों की शिक्षा में प्रेरणा आधारित पद्धति के वर्धन में निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अपर्याप्त है, विश्लेषण कीजिए। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट ऑफ 2009 रिमेंस इनएडिक्वेट इन प्रमोटिंग इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम फॉर चिल्ड्रंस एजुकेशन विदाउट जनरेटिंग अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूलिंग। एनालाइज
आंसर इन 250 वोट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, I2U2 भारत, इसराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका समूहन वैश्विक राजनीति में भारत की स्थिति को किस प्रकार रूपांतरित करेगा? 250 शब्दों में उत्तर दीजिए। हाउ विल I2U2 इंडिया, इसराइल, UAE एंड USA ग्रुपिंग ट्रांसफॉर्म इंडिया पोजिशन इन ग्लोबल पॉलिटिक्स? आंसर इन 250 वर्ड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, स्वच्छ ऊर्जा आज की जरूरत है, भू राजनीति के संदर्भ में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों में जलवायु परिवर्तन की दिशा में भारत की बदलती नीति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। क्लीन एनर्जी इज द ऑर्डर ऑफ द डे, डिस्क्राइब ब्रीफली इंडियाज चेंजिंग पॉलिसी टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज इन पेरिस इंटरनेशनल फोरम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जियोपॉलिटिक्स? आंसर इन 250 वर्ड्स। तो ये पूरा हो गए जीएस पेपर 2, ठीक है, समान अध्ययन प्रश्न पत्र दूसरा का क्वेश्चन पेपर। हमने पहले ही बता दिया था कि हम बस इसे रीड रिकॉल और रिवाइज करने जा रहे हैं ताकि यह जान सकें कि किस प्रकार के प्रश्न पत्र आते हैं और कैसे प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो अब हम इस वीडियो को यहीं कंक्लूड करने जा रहे हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। अगली वीडियो में हम लोग जो है प्रश्न पत्र तीसरा मतलब समान अध्ययन जीएस पेपर 3 के क्वेश्चन को जानने का प्रयास करेंगे। So that's all. Thank you. Have a great day.